बहुत दुख हो रहा है और काफ़ी हम लोग मर्माहत हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। लगातार भले उम्र में काफ़ी बड़े थे हमसे, लेकिन काफ़ी मिलनसार और एक बड़े भाई जैसा वो हमको हमेशा गाइड किया करते थे। कोई भी परिस्थिति हो, खुलकर उनसे हर एक विषय पर जो है बात हुआ करती थी। पटना आना हो तो हमारे घर आते थे, हम लोग से मिलते थे। हमारे पिता से बहुत अच्छा संबंध रहा है। दिल्ली जाना हो तब हमारी मुलाकात होती थी। बाहर भी हम लोगों को मौका मिला, लंदन से लेके हर जगह यूनिवर्सिटी में जब हम लोगों को निमंत्रण दिया गया था तब भी हम लोग साथ में थे। तो एक अच्छा अनुभव उनके साथ हमारा रहा है और हम तो एक बड़े भाई जैसा उनको देखते रहे। काफ़ी यारों के यार थे, मिलनसार थे और बड़ी मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखते थे। जो देश के हालात हैं उसको देखते हुए हमेशा चिंता करते थे कि कैसे जो है इससे हम लोग लड़ेंगे, और हमेशा जो है वो प्रेरणा दिया करते थे, उत्साहित करते रहते थे कि भाई आइडियोलॉजी विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसको देखते हुए हम लोगों ने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। लेकिन इस दुख की घड़ी में आज हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को भगवान जो है शांति प्रदान करें और पूरे परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में उनके पूरे परिवार के साथ हम लोग हैं, साथ खड़े हैं। पूरी हमारी संवेदना उनके परिजनों के साथ है। और पिताजी तो बॉम्बे में मैं हैं, इलाज चल रहा है। उन्होंने काफ़ी दुख जो है जाहिर किया। लास्ट आपसे उनकी कब मुलाकात और बात हुई थी, क्योंकि हमेशा मुखर रहते थे? नहीं, एकदम अभी हमको लगता है 15-20 दिन पहले ही हमारी बात बात हुई थी उनसे। और लगातार फोन पे तो हमेशा बात हुआ करती थी। उनको कुछ लगता था, कुछ बताना है या कुछ गाइड करना है या कुछ सुझाव होता था तो खुल करके हमको फोन कर लेते थे। हम भी कोई मामला जानना होता था या कोई बात होती थी तो डायरेक्टली जो है उनसे बात कर सकते थे। मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा नुकसान और एक कमी जो है उनकी हमेशा खलेगी। बहुत दुख हो रहा है और काफ़ी हम लोग मर्माहत हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। लगातार भले उम्र में काफ़ी बड़े थे हमसे, लेकिन काफ़ी मिलनसार और एक बड़े भाई जैसा वो हमको हमेशा गाइड किया करते थे। कोई भी परिस्थिति हो, खुलकर उनसे हर एक विषय पर जो है बात हुआ करती थी। पटना आना हो तो हमारे घर आते थे, हम लोग से मिलते थे। हमारे पिता से बहुत अच्छा संबंध रहा है। दिल्ली जाना हो तब हमारी मुलाकात होती थी। बाहर भी हम लोगों को मौका मिला, लंदन से लेके हर जगह यूनिवर्सिटी में जब हम लोगों को निमंत्रण दिया गया था तब भी हम लोग साथ में थे। तो एक अच्छा अनुभव उनके साथ हमारा रहा है और हम तो एक बड़े भाई जैसा उनको देखते रहे। काफ़ी यारों के यार थे, मिलनसार थे और बड़ी मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखते थे। जो देश के हालात हैं उसको देखते हुए हमेशा चिंता करते थे कि कैसे जो है इससे हम लोग लड़ेंगे, और हमेशा जो है वो प्रेरणा दिया करते थे, उत्साहित करते रहते थे कि भाई आइडियोलॉजी विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसको देखते हुए हम लोगों ने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। लेकिन इस दुख की घड़ी में आज हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को भगवान जो है शांति प्रदान करें और पूरे परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में उनके पूरे परिवार के साथ हम लोग हैं, साथ खड़े हैं। पूरी हमारी संवेदना उनके परिजनों के साथ है। और पिताजी तो बॉम्बे में मैं हैं, इलाज चल रहा है। उन्होंने काफ़ी दुख जो है जाहिर किया। लास्ट आपसे उनकी कब मुलाकात और बात हुई थी, क्योंकि हमेशा मुखर रहते थे? नहीं, एकदम अभी हमको लगता है 15-20 दिन पहले ही हमारी बात बात हुई थी उनसे। और लगातार फोन पे तो हमेशा बात हुआ करती थी। उनको कुछ लगता था, कुछ बताना है या कुछ गाइड करना है या कुछ सुझाव होता था तो खुल करके हमको फोन कर लेते थे। हम भी कोई मामला जानना होता था या कोई बात होती थी
तो डायरेक्टली जो है उनसे बात कर सकते थे। मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा नुकसान और एक कमी जो है उनकी हमेशा खलेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।